और गुरु पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में कार्यक्रम हो रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जिनकी तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से वहां पर योग के बारे में बताया। इसके लिए मैंने पतंजलि सहित जो अच्छे संगठन है पूरी दुनिया में जो और चलिए बात करेंगे। बाराबंकी में ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को कुछ लोगों की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की देखरेख में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे के शिकार हुए सभी लोग सीतापुर जिले के रहने वाले हैं। सभी लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर मंजीठा में नाग देवता मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और इस दौरान देवा थाना इलाके में यह हादसा हो गया। हादसे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। देवा थाना क्षेत्र में सीतापुर के कुछ तीर्थयात्री अपने पूजा के लिए जा रहे थे, ट्राली से बैठे हुए थे। 3 गांव के लोग थे ये लोग और ये जा रहे थे, जिसमें बदरुद्दीनपुर एक गांव है उसके आगे एक ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया। उसमें टक्कर में इनकी ट्राली पलट गई, जिसमें सभी लोग घायल हो गए हैं। सभी को सीएससी हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जिसमें अभी तक 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और बाकी लोग घायल हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएंगे। मंदिर में उनके अनुयायी जुटेंगे और तिलक पूजन किया जाएगा। इसके बाद सीएम योगी लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। आज सीएम देवरिया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने भी जाएंगे, जहां 3 बजे तक पहुंचने का कार्यक्रम है। सीएम निर्माणाधीन देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद शाम 4 बजे गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। बीजेपी पूरे प्रदेश में गुरु पूर्णिमा का त्यौहार धूमधाम से मनाएगी। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मंदिरों में जाकर पुजारियों और साधुओं की पूजा करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। हालांकि बीजेपी की इस प्लानिंग को चुनावी तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है, वहीं इसे चुनाव से पहले ब्राह्मणों को साधने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियां अपने वोटरों को साधने और अपने पाले में लाने की कवायद शुरू कर दी है और इस अभियान में बीएसपी भी जुट गई है। मिशन 2022 के चुनाव में एक बार फिर से बीएसपी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को आजमाने की रणनीति पर काम कर रही है। 2022 में हम लोग बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार ये 2022 को लेकर बन रही संभावनाओं की सियासत का शंखनाद है। सर 2007 में जो एक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला देखने को मिला था, तो क्या माना जाए कि इस बार भी वो फॉर्मूला काम करेगा? उससे ज्यादा अब की बार, क्योंकि ब्राह्मण जितना प्रताड़ित अब है उतना कभी नहीं रहा। कोशिश है उस जातीय समीकरण को साधने की, जिसके आश्रय 2007 में बीएसपी सत्ता हासिल करने में कामयाब रही थी। समाज थोड़ा इधर उधर हो गया था वो, बल्कि अब की बार वापस आकर के कह रहा है कि हमसे जो हम लोग गलत चले गए थे। दिलचस्प बात यह है कि बीएसपी ने अपने चुनावी मिशन का शंखनाद उस शहर से किया है जो भगवान राम की धरती है, जहां से अब तक बीजेपी चुनावी बिगुल फूंकती आई है। भगवान श्री राम दल का आशीर्वाद है तो मिल गया, हो गया। आज ऊपर मौसम से भी पता लग गया कि मिल गया, आप लोगों को देख करके पता लग गया मिल गया। 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के आश्रय पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता का स्वाद चख बीएसपी एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग की कवायद में जुट गई है, जिसके लिए बीएसपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन कर रही है। बीएसपी पहले चरण में 6 जिलों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन कर रही है। अयोध्या के अलावा अम्बेडकर नगर, प्रयागराज, सुल्तानपुर, कौशाम्बी में भी सम्मेलनों का आयोजन होगा। अगर हम 2007 के विधानसभा चुनाव को देखें तो 2007 विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने जिस सोशल इंजीनियरिंग के तहत चुनाव जीता था, उसी फॉर्मूले को एक बार फिर से 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को लागू करने की एक बार फिर से बसपा कोशिश कर रही है। वीरेंद्र सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या।